बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों सभी जिले में जाकर थाना अध्यक्ष डीएसपी एसपी के साथ अपराध को लेकर और महापर्व दुर्गा पूजा दीपावली छठ को देखते हुए जगह जगह शांति समिति की बैठक भी कर रहे हैं और कई आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि सभी थानाध्यक्ष अपना काम करें, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेरा नंबर है, हमसे संपर्क करें। आप थाना पर जो भी मिलने के लिए आएँ, गरीब से गरीब आदमी को उनको कुर्सी दें, पानी पिलाएं और सम्मान के साथ उसकी समस्या का समाधान करें, उनको सुने। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीधे तौर पर कहा कि थाना अध्यक्ष अपने थाना में शांति समिति की बैठक करें, क्योंकि आगे दुर्गा पूजा दीपावली और छठ है, आप अच्छा से इस महापर्व को शांति अमन चैन से मनाएं। डीजीपी अचानक किसी क्रम में एसपी ऑफिस पहुंचे और एसएसपी सिटी एसपी डीएसपी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक किए। वहीं पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि डीजीपी साहब हमारे गार्जियन जैसे हैं, वो आए और थाना अध्यक्ष का हौसला बुलंद किया और कई तरह की गाइडलाइन दिए हैं। पटना से नीरज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस जो है, जिला पुलिस की हौसला अफजाई की गई है और अच्छा कार्य करने के लिए बेहतर जो है वो सभी थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी जो है उनको निर्देशित किया गया है। दुर्गा पूजा की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। परिवार जो पुलिस परिवार के मुखिया हैं, डीजीपी साहब के द्वारा जनरल जो है गाइडेंस दिया गया है।